प्रधानमंत्री का पद वो पद है जिस पर आसीन होने की ख्वाहिश और सपना करीब करीब हर राजनेता देखता ही होगा। लेकिन गुजरे दशकों में भारतीय राजनीति में कुछ विरले चेहरे ऐसे भी थे जिन्हें पद का मोह कभी नहीं रहा। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं वन इंडिया प्लस। आज हम बात करेंगे चौधरी देवीलाल की, जिन्हें चाहने वाले और करीबी प्यार से ताऊ देवीलाल भी कहा करते थे। ये राजनीति की वो शख्सियत थे जिन्हें बहुमत से संसदीय दल का नेता मान लिया गया था और प्रधानमंत्री पद के लिए स्वीकार भी किया गया था। लेकिन कल्पना से परे उन्होंने तब एक ऐसा फैसला लिया जिससे हर कोई चकित रह गया था। प्रधानमंत्री पद मिलते हुए भी उन्होंने उसे ठुकरा दिया था और वो पद किसी और के लिए छोड़ दिया था। बात है 1989 के आम चुनाव की, जब नतीजे घोषित होने के बाद संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई थी जिसमें पीएम पद की रेस में रहे चंद्रशेखर के साथ साथ विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी चौधरी देवीलाल को सर्वसम्मति से संसदीय दल के नेता के तौर पर स्वीकार कर लिया था। इसका सीधा सा मतलब यह था कि चौधरी देवीलाल देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे। लेकिन तभी उस बैठक में मौजूद रहे चौधरी देवीलाल अपनी जगह पर खड़े हुए और बड़े ही सहज अंदाज से कहा कि लोग उन्हें प्यार से ताऊ कहते हैं और उन्हें ताऊ की भूमिका में बने रहना पसंद है। उनकी बात पर बैठक में मौजूद रहे हर किसी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए थे। अपनी बात पूरी करते हुए चौधरी देवीलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का पद विश्वनाथ प्रताप सिंह को दे दिया जाए। आपको बता दें कि उस समय चंद्रशेखर और विश्वनाथ प्रताप सिंह दोनों ही पीएम बनने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन इस पद के लिए जब देवीलाल के नाम का प्रस्ताव हुआ तो उनके सम्मान में दोनों ने ही कदम पीछे खींच लिए थे। ये दोनों स्वेच्छा से देवीलाल के मार्गदर्शन में काम करने को तैयार थे। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उस दौरान एक दूसरे तरह की चर्चा भी थी। चर्चा ये थी कि देवीलाल और वीपी सिंह के बीच पहले ही कोई समझौता हुआ था ताकि पीएम पद चंद्रशेखर से दूर रखा जा सके, लेकिन गेम अभी बाकी था क्योंकि चौधरी देवीलाल ने जिस विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए प्रधानमंत्री का पद छोड़ा था उन्होंने ही देवीलाल को कुछ समय के बाद कैबिनेट से आउट कर दिया। खैर, ऐसा करने वाले वीपी सिंह की सरकार लंबी नहीं चली। फिर प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला चंद्रशेखर को। अब की बार देवीलाल ने उप प्रधानमंत्री पद को स्वीकार किया और ये देश के उप प्रधानमंत्री बने। लेकिन चंद्रशेखर की सरकार भी 4 महीने के भीतर ही लड़खड़ा गई। देवीलाल के पास अब भी मौका था कि वे प्रधानमंत्री बनने के लिए अपनी दावेदारी पेश करते, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से ऐसा नहीं किया। इसे लेकर देश के बड़े संपादकों में से एक रहे एमजी अकबर ने देवीलाल के निधन पर लिखे अपने एक आर्टिकल में इस बात का जिक्र किया था कि दबंग और दमदार छवि के नेता रहे देवीलाल ने दरअसल समय से महसूस किया था कि शहरी भारत शायद उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं करेगा। इसी वजह से इन्होंने अपने कदम को पीछे खींचा। चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री पद से मुक्त होने के बाद जब देश में राजीव गांधी सरकार बनी तो उसके कुछ समय बाद ही बोफोर्स घोटाले का मामला उछला। ऐसा कहा जाता है कि वो देवीलाल ही थे जिन्होंने राजीव गांधी सरकार के खिलाफ माहौल को खराब करने की शुरुआत की थी, जिससे कांग्रेस को लंबे समय तक इससे जूझना पड़ा। राजनीति में दशकों लंबा तजुर्बा रखने वाले देवीलाल का प्रभाव ऐसा था कि वे जिस मुद्दे पर अपनी राय रखते थे उस पर माहौल बन जाता था। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।